दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जिन लोगों के अपने YouTube चैनल हैं या फिर वो लोग जो न्यू यूट्यूबर हैं वो अपने चैनल पे जाके कोई वीडियो अपलोड करते हैं, डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, टाइटल लगाते हैं, जब वो कीवर्ड डालते हैं और कीवर्ड डालने के बाद जब वो सेव ऑप्शन पे जाके क्लिक करते हैं तो कीवर्ड सेव नहीं हो पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं कि अपने कीवर्डों को हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहें, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों जब भी हम अपने कीवर्डों पे सेव करने की क्लिक करते हैं तब वहां पर एक SMS आ जाता है, अनअवेलेबल टू सबमिट सम चेंज। दोस्तों ये मैसेज आता है जब हम अपने कीवर्ड लगाने के बाद सेव ऑप्शन पर जाके क्लिक करते हैं और हमारे कीवर्ड सेव नहीं हो पाते। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें तभी आप अच्छे से जान पाएंगे कि हम अपने कीवर्ड किस तरीके से सेव कर सकते हैं। आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जाकर अपना ID और डेस्कटॉप मोड ऑन करने के बाद ये देखिए आपका चैनल लोगो यहाँ दिखाई देगा। ये देखिए आपका चैनल लोगो दिखाई दे रहा है। आप इस लोगो पर क्लिक करने के बाद अपने YouTube चैनल पे जाइए और वहाँ पर जाने के बाद आप अपने चैनल के डैशबोर्ड पे पहुँच जाएंगे। जब आप डैशबोर्ड पे जाने के बाद नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। उस सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ये सेटिंग पे जाके आप क्लिक करेंगे। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चैनल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप चैनल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आप कीवर्ड लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप अपने कीवर्ड लगाते हैं लेकिन यहाँ पर आपको कीवर्ड सिर्फ 15 से 17 कीवर्ड ही लगाने हैं। 15 से 17 कीवर्ड लगाने के बाद जब आप सेव ऑप्शन पर जाके क्लिक करेंगे तो आपके कीवर्ड सेव हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने 17 कीवर्ड से ज़्यादा कीवर्ड लगा दिए, 20, 25, 30, तो वहाँ पर वही SMS शो होगा और आपके कीवर्ड सेव नहीं होंगे। दोस्तों छोटे या बड़े जो भी आप कीवर्ड लगाएंगे वो सिर्फ 17 से 15 कीवर्ड ही लगाएंगे तभी आपके कीवर्ड